भागलपुर नौगछिया सहित अंग प्रदेश के लिए एक सौगात। सोनाम मैरिज गार्डन, आप उत्सव मनाए, व्यवस्था हम करेंगे। शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, पार्टी सहित किसी भी तरह के पार्टी फंक्शन के लिए एक बार अवश्य पधारें। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला, जहां उपलब्ध है एसी एवं नॉन एसी कमरे, मंडप, डेकोरेशन, लाइट, म्यूजिक सिस्टम के साथ सभी आधुनिक व्यवस्थाएं। तो आए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोनाम मैरिज गार्डन में। हमारा पता है सोनाम मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9661904817, 7979-499-821। नवगछिया पूसी अम्बसिया पर माता को लगेगा 56 प्रकार के भोग। नवगछिया अनुमंडल के नवगछिया बाजार में स्थित श्री श्री 1008 माँ दक्षिणेश्वरी काली को पूसी अम्बसिया के अवसर पर महाआरती एवं माता को 56 भोग लगाया जाएगा। यह कार्यक्रम मंदिर के आचार्य पंडित रामजी मिश्रा के देखरेख में होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इसी दरमियान इस वर्ष भी 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे से माता का श्रृंगार पूजन एवं 56 भोग लगाया जाएगा। 11 बजे से विद्वान पंडित एवं आचार्यों द्वारा चंडी पाठ किया जाएगा। संध्या 5 बजे दीपोत्सव एवं भजन संध्या का भी कार्यक्रम आयोजित होगा। तत्पश्चात 7 बजे महाआरती और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। नवगछिया में नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाली रैली। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नौगछिया इकाई द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए जाने वाले नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में एक विशाल रैली छात्र नेता अनुज चौरसिया के नेतृत्व में निकाली गई। विशाल रैली में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के अलावा नौगछिया के विभिन्न संगठनों ने हिस्सा लिया। समर्थन रैली नौगछिया स्टेशन गोलम्बर से नौगछिया बाजार भ्रमण करते हुए प्रोफेसर कॉलोनी वशाला रोड होते हुए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल तक गई, जहां से समर्थन रैली पुनः बाजार होते हुए नौगछिया स्टेशन गोलम्बर पहुंची। समर्थन रैली में छात्र भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। वहीं मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अनु चौरसिया ने बताया कि देश के हित में केंद्र सरकार की यह सराहनीय फैसला है। इस तरह के भारत के किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं होगी। हम सभी समाज के लोगों को अपने समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत है। वहीं मौके पर जिला कार्यवाहक मुकुल जी ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि हम सभी को, समाज के लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। वहीं मौके पर जिलाध्यक्ष अजय कुमार, सुजीत सिंह, रवि कुमार, दीपक, राहुल शर्मा, गौरव कुमार, शुभम कुमार, छात्र संघ अध्यक्ष सौरव, जिला संयोजक प्रहलाद यादव, जिला कार्यवाहक मुकुल कुमार, नगर कार्यवाहक देवजी सहित कई अन्य मौजूद थे। संदेश देना चाहते हैं, जहाँ भी जाएं, अपने समाज में जाएं, अपने कॉलेज जाएं, अपने महाविद्यालय जाएं, अपने स्कूल जाएं, जहाँ भी जाएं, तो इनके वास्तविक जानकारी को आप शेयर करें। आपका परिचय? अनुज चौरसिया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। CAA एक्ट लागू किया गया है, वह नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और उसके बाद से नेहरू और लियाकत ने समझौता किया था कि अपने अपने यहाँ के माइनॉरिटी को पूरा पूरा सम्मान दिया जाएगा। भारत ने उससे आगे बढ़ करके सम्मान दिया, किंतु अन्य देश जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, वहां पर सम्मान तो नहीं मिला, बल्कि वहां पर प्रताड़ित किया गया। और आज 23% से 3% जो संख्या पाकिस्तान में हो गई है, बांग्लादेश में 30% से 7% आ गया है। उसी का कारण है कि या तो वो मुस्लिम बना दिए गए या भगा दिए गए या मार दिए गए। आज वो लोग 1947 के बाद भाग भाग करके अपने यहाँ भारत में आ रहे हैं अपने धर्म बचाने के लिए। उनको नागरिकता देने का कानून CAA है, यहाँ से किसी नागरिकता लेने देने से कोई संबंध नहीं है। जहाँ तक NRC के बारे में गलत उरप्पा उड़ाया जा रहा है, उसका केवल और केवल यही है कि जो यहाँ 1947 से भारत के वासी रह रहे हैं,
सभी यहाँ देश के नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म के मानने वाले हों, सभी इस देश के हैं और उनकी नागरिकता कहीं नहीं जाने वाली है, क्योंकि वह इस देश के हैं। लेकिन उसके बाद जो यहाँ घुसपैठ किए हैं उनको जाना ही पड़ेगा, वो एनआरसी है, वो अभी आया भी नहीं है। और क्या क्या उसमें होने वाला है उसके बारे में किसी जानकारी नहीं है, अंधेरे में तीर मारा जा रहा है। अभी जो सीएए है, इसका जो विरोध हो रहा है उसका कारण क्या है? विरोध होने का कारण है कि यहाँ जो विरोधी लोग हैं वो इन्हें भड़का रहे हैं। इस बार जो नरेंद्र मोदी सरकार को भारी बहुमत मिला है 303 सीट, ये वो सोच रहे थे कि 5 साल के बाद चली जाएगी, वो नहीं जा पाए, बल्कि और अधिक बहुमत से आने के कारण लगातार जो बड़े बड़े फैसले 370, 35 ए, राम मंदिर, ऐसे कई जो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, इसमें वह विपक्षी और देशद्रोही तत्व जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसे एक मौका मिला और भड़काने का कि भाई सीएए जो है वह इसमें मुस्लिम को अलग रखा गया है, जबकि कारण है कि उस देश के मुस्लिम को अलग रखा गया है जो हम 1947 में धर्म के आधार पर उन्होंने देश बांटा था। वहाँ उसको आने की जरूरत नहीं है, वो तो वहाँ चले गए धर्म अपने देश बांट करके। जो वहाँ नहीं गए थे, जबरदस्ती उनको वहाँ रखा गया, वो अपने धर्म बचाने के लिए आ रहे हैं, उनको यहाँ रखा जा रहा है। इसलिए केवल और केवल गलत र्यूमर फैला कर करके देश को बांटने की साजिश की जा रही है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम लोग भी इस सीएए और एनआरसी के बारे में सही सही जानकारी दें, और जो गलत र्यूमर फैलाया जा रहा है वो तो ध्वस्त होगा ही होगा, उन्हें भी हमें धीरे धीरे ध्वस्त करना ही पड़ेगा और होना ही। आपका परिचय? मैं मुकुल, जिला कार्यवाह नवगछिया, आरएसएस। नवगछिया सांता ने बच्चों के बीच बांटी कई तरह की सामग्री, सांता को देखते ही खुशी से उछल पड़े बच्चे। तेजस्वी पब्लिक स्कूल सिंधिया मकनपुर में हॉस्टल के बच्चों और शिक्षकों के बीच सांता क्लाउज ने आकर टॉफी और ढेर सारे उपहार बांटे। जैसे ही सांता छात्रावास पहुंचे, बच्चे खुशी से उछल पड़े। उपहारों का वितरण करने के बाद प्रधानाचार्य सीपीएन चौधरी एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी बच्चों को क्रिसमस के बारे में जानकारी दिया। वहीं इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक भवन कुमार, सुकेश चौधरी, मोहन जी, प्रेरणा सिन्हा, वंदना झा, जूली झा, अमीरस, आयुष, निरुष बैगरा, आराधना कुमारी, गिन्नी कुमारी सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया जदयू मीडिया सेल के विधानसभा स्तरीय प्रभारी नियुक्त। जदयू मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के सभी विधानसभा में विधानसभा स्तरीय प्रभारियों की नियुक्ति की है। नवनियुक्त जिला संयोजक रवि कुमार ने बताया कि बिहार के बिहपुर विधानसभा से सूरज कुमार को प्रभारी व दिलखुश कुमार दिल को सह प्रभारी, वहीं गोपालपुर विधानसभा से प्रिंस कुमार को प्रभारी व दिलीप कुमार को सह प्रभारी मनोनीत किया है। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, बिहपुर के राज्य परिषद बुलंद जी चौधरी, युवा जिलाध्यक्ष सोनू जायसवाल, छात्र जिलाध्यक्ष नवीन कुमार निश्चल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शहीद राजा, महिला सेल की जिलाध्यक्ष अंजनी सिंह, शिवशंकर चौधरी, हिमांशु भगत, राजकुमार भगत, रूपक पटेल व अन्य ने नवनियुक्त प्रभारियों को बधाई दी है। नवगछिया मददपुर टोल प्लाजा के समीप ट्रक चालकों से 35,000 रुपए की लूट। नवगछिया थाना क्षेत्र के मददपुर स्थित टोल प्लाजा के समीप NH 31 सड़क मार्ग पर सोमवार की देर रात्रि एक ट्रक चालक से अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने ट्रक चालक से 35,000 नकदी, मोबाइल, ट्रक के कागजात सहित अन्य सामानों को भी लूट लिया है। चालक एवं कलासी द्वारा लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने चालक के साथ मारपीट भी की और ट्रक के शीशे तोड़ डाले। इस बाबत ट्रक चालक बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत डांडिया निवासी सियाराम यादव ने बताया कि वे सोमवार की शाम बेगूसराय से गिट्टी लोड करने के लिए मिर्जा चौक की जा रहे थे। अत्यधिक कुहासा होने के कारण मददपुर टोल प्लाजा के समीप ट्रक लगाकर अपने केबिन में सो रहे थे। इसी दौरान 3-4 की संख्या में आए अज्ञात अपराधियों ने केबिन का दरवाजा खोलने के लिए कहा। जब मैंने दरवाजा खोला तो अपराधियों ने मारपीट करना शुरू कर दिया और पैकेट में रखे 35,000 रुपए नकदी, मोबाइल सहित गाड़ी के कागजात भी लूट लिए। विरोध करने पर मारपीट भी करने लगे और जाते जाते ट्रक का शीशा तोड़ डाला। घटना को लेकर ट्रक चालक द्वारा नवगछिया थाने में आवेदन दिया गया है, मगर नवगछिया पुलिस द्वारा आवेदन लेने से इनकार कर दिया गया।
नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093-047-33, 73-68-91-47-33। IS IPS फाउंडेशन क्लासेस अब कक्षा 6-7 से ही UPSC की तैयारी शुरू। एक बार जरूर पधारें प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल। नवगछिया का पहला फर्नीचर शोरूम अब और भी नए आकर्षक रूप में। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम, फर्नीचर, फर्निशिंग एवं किचनवेयर के सभी सामान के साथ एक नए आकर्षक रूप में। शीशम सागवान पलंग, त्रिवेणी वैशाली कंपनी अलमीरा, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर। गौरी शंकर फर्नीचर नवगछिया हाई स्कूल के सामने। संपर्क सूत्र सौरभ जायसवाल 97-096-11-005, 82-92-94-31-26। अब वाहन प्रदूषण जांच केंद्र आपके अपने मकनपुर चौक नवगछिया NH 31 पर। संपर्क करें शुभम धर्मकाटा NH 31 अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सामने मकनपुर चौक नवगछिया। मोबाइल नंबर 9065-282725। आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया कक्षा नर्सरी से अष्टम तक बस की सुविधा के साथ नवगछिया का एक श्रेष्ठ स्कूल। प्राचार्य प्रमोद कुमार सिंह, हमारा मोबाइल नंबर है 9934261437। 99-34-26-14-37। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए संपर्क जरूर करें आवासीय विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया। गोपालपुर बाइक सवार के ठोकर से वृद्ध महिला घायल। नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार के ठोकर लगने से थाना क्षेत्र के सुकटिया बाजार पंचायत के रतन निवासी वृद्ध महिला विलक्षणी देवी पति उमेश पंडित गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला विलक्षणी देवी को सैदपुर के ग्रामीणों द्वारा PSC गोपालपुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। नवगछिया के रंगरा प्रखंड में मानव श्रृंखला की सफलता को लेकर रंगरा BDO ने की बैठक। जल जीवन हरियाली व सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आगामी 19 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला की सफलता के मद्देनजर मंगलवार को रंगरा प्रखंड कार्यालय स्थित शिल्प भवन में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी शिल्पी कुमारी वैद्य ने किया। बैठक में आगामी 19 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला को लेकर उनके सफल क्रियान्वयन के लिए विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए इसकी रूपरेखा तैयार की गई। चर्चा के दौरान बताया गया कि रंगरा प्रखंड में 13 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाना है। 13 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। वहीं बैठक में प्रखंड प्रमुख मोती यादव, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी अजय कुमार झा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी विनोद कुमार मंडल, रंगरा थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया ट्रैक्टर के धक्के से बाइक सवार घायल, मायागंज रेफर। बाबा विशु राउत पुल के उत्तरी छोर समीप पुल के संपर्क पथ पर मंगलवार को एक स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल BR 43C 9437 को ट्रैक्टर ने धक्का मार दिया। इस पर सवार मधेपुरा जिले के उदाकिसुनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शहजादपुर गांव निवासी मधुसूदन झा के पुत्र विनोद कुमार झा जख्मी हो गए। विनोद के हाथ, पैर, सीने व माथे पर गंभीर चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे कदुआ पुलिस ने घायल को उठाकर इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया भेजा, जहां चिकित्सकों ने घायल विनोद की नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया। कदुआ थाना SIT महेंद्र सिंह ने बताया कि सोनालिका ट्रैक्टर खरीक के नदी थाना अंतर्गत बिस्पुरिया निवासी चितरंजन सिंह की है, जिसे गांव के ही राजेश सिंह पुल के पूर्व साइड से मिट्टी ढुलाई कर रहे थे। इसी बीच बाइक सवार विनोद अपने बेटे को नवगछिया 0 माइल से सामान देकर वापस लौटे, वहीं उल्टा साइड ही अचानक गाड़ी के सामने आ जाने से घटना हो गई। घटनास्थल से ट्रैक्टर व चालक दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है।